ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में पाटन वाले गुरुजी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं रहे हैं। बीते साल अप्रैल में उनका अचानक चले जाना सबको स्तब्ध कर दिया है, पर गुरुजी द्वारा रोपे गए पौधे को अब पंकज पाटन वाले और नीरज पाटन वाले बखूबी सींच रहे हैं। उनके प्रथम पूर्ण स्मरण पर देखें कुछ खास झलकियां। वेद चक्षु कहा गया है, अर्थात जहां विज्ञान अपने घुटने टेक देता है वहां से भी विज्ञान एक नई दिशा देता है। और आज की तारीख में देखिए कि संपूर्ण विश्व में जो कोरोना नाम की महामारी फैली है, अब विज्ञान के पास न उसकी कोई दवाई है और न उसका कोई वैक्सीन है। और पूरी दुनिया में वो चीन से स्टार्ट होके और पूरे यूरोप में और अब पूर्वी देशों में भी फैल गई है। अब आप ये देखिए कि बीमारी चीन से स्टार्ट होती है और हमारे यहां पर ज्योतिष में चीन का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति धनु राशि में केतु के साथ रहा और केतु इसी प्रकार की अदृश्य आपदाओं का, अदृश्य महामारी का प्रतीक है। और दूसरा कि धनु राशि में मूल नक्षत्र में बृहस्पति और मूल नक्षत्र फिर से केतु का, केतु के साथ भी और केतु के नक्षत्र में भी, इसलिए ये कहा जाता है कि चीन का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो केतु से प्रभावित होकर इस बीमारी को संसार में लाया। और आप देखिए कि जब धनु राशि में गुरु और शनि साथ साथ थे और केतु के नक्षत्र में थे तब यह बीमारी चीन में सबसे पहले स्टार्ट हुई। और 2019 में यही दो ग्रहण भी संपन्न हुए, एक ग्रहण 16 जुलाई को और दूसरा 26 दिसंबर को 2019 में हुआ। हमारे यहां ये कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में और धनु राशि में जब कोई ग्रहण होगा तो उसका अर्थ होगा कि बृहस्पति पीड़ित है। और बृहस्पति मूल नक्षत्र में केतु के साथ इसलिए पीड़ित है ही है और इसीलिए महामारी का शिकार सबसे पहले चीन का जो पहला मरीज दिखाई दिया था वो 2019 में ही दिखाई दिया था। और सबसे ज्यादा महामारी फैली भी चीन में ही है। और हमारे यहां कई पुराणों में